आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर मुस्लिम समाज सहित अन्य धर्म गुरुओं के साथ आज एक आवश्यक बैठक संपन्न की है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मस्जिद व मंदिरों में 5 से अधिक लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा, साथ ही यहाँ कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं कराया जाएगा। आपको बता दें कि सभी धर्म स्थलों को संक्रमण के चलते पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। धार्मिक स्थानों पर सिर्फ वही लोग होंगे जो वहां का रखरखाव करते हैं, जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। दरअसल आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई इस बैठक में मुस्लिम धर्म गुरुओं सहित समाज सेवियों ने हिस्सा लिया था। बैठक में प्रशासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि बनाए गए नियम का यदि उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे लोगों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने को मजबूर होगा। इसके लिए संबंधित थानों को धार्मिक स्थलों पर निगरानी रखने के लिए परिसूचना किया गया है। आज हुई इस बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि हम अपने घरों में रहकर धार्मिक कार्य करें जिसमें केवल घर के लोग ही शामिल हों। आपको बता दें कि रमजान का महीना मुस्लिम समाज में सबसे पाक महीनों में गिना जाता है और आज जुमे का दिन होने के कारण प्रशासन ने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भीड़ न लगाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल अभी 23 और 22 को कलेक्टर साहब और जिला दंडाधिकारी महोदय के कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ आदेश जारी हुए हैं, उन आदेशों का बेहतर पालन किया जाए इसलिए हम लोग सभी लोगों की बैठक लेके और उनको उनके संबंध में उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और उनको अपने आदेशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। SP साहब वर्मा जी और अपने CSP साहब हमारे साथ में थे, SN प्रसाद जी, और इसी मीटिंग में सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि वो कलेक्टर साहब के, जिला दंडाधिकारी DM साहब के जो ऑर्डर्स हैं उनका बेहतर ढंग से पालन करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, शादियों पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि जो कोई घर में एक एक दो दो लोग या आके कोई व्यक्ति ये बिल्कुल चाहता है कि मैं अपने विवाह को संपन्न करूं और बिना किसी उसके अपनी मतलब जो पत्नी है और बिना समारोह के बिना किसी उसके संपन्न करना चाहता है तो उसका स्वागत है। और घर में यदि आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, घर पे हैं आप लोग, तो उसमें तो वैसे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। मस्जिद और मंदिर में प्रबंधन कमेटी के एक दो लोग जो मंदिर मस्जिद का संचालन करते हैं केवल उन्हीं लोगों के लिए अनुमति है जो मंदिर के रखरखाव के लिए, साफ सफाई के लिए, उसका मंदिर के गेट बंद करने खोलने और बाकी जो ऐसी गतिविधियां जो मंदिर कैंपस के अंदर है उनके लिए ज़रूरी है, उसके अलावा किसी को नहीं।